बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जॉइंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है जॉइंट्स एंड इट्स टाइप्स, हम जॉइंट्स और जॉइंट्स के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जॉइंट्स क्या होता है? जॉइंट्स एक पॉइंट होता है जहाँ पर कोई भी दो चीज़ें आपस में मिलती हैं। जॉइंट का मतलब ही क्या होता है? जोड़। मतलब जहाँ पर कोई भी आपस में दो चीज़ें मिलेंगी हम उसको क्या कहेंगे कि ये जॉइंट्स हैं। और अगर हम देखें तो हम स्केलेटन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे? अ पॉइंट वेयर टू बोन्स, जहाँ पर दो बोन्स आपस में मिलती हैं, अटैच होती हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? जॉइंट। तो ज्वाइंट एक्चुअली काम क्या करती है? ज्वाइंट हेल्प करती है लोकोमोशन में और एज वेल एज मूवमेंट्स में। ये लोकोमोशन में भी हेल्प करती है ज्वाइंट्स और मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी हेल्प करते हैं। फिलहाल अगर मैं इधर ही खड़ी हूँ और मैं इस तरह बाजों की ये जो मैं मूव अपने बाजों को मूव कर रही हूँ ये मूवमेंट है। एक जगह से दूसरी जगह चल के जाना क्या होता है? लोकोमोशन। और मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि स्टील साकेत है अपनी जगह पर ही खड़े रहना, लेकिन पार्ट्स ऑफ बॉडी की मूवमेंट जो होगी या हरकत होगी उसको हम मूवमेंट बोलेंगे। तो डेयर स्टूडेंट्स ये हेल्प इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये लोकोमोशन और मूवमेंट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं हमारी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें आखिर लोकोमोशन की ज़रूरत क्यों होती है? तो इसकी वजह ये है बिकॉज वी आर हेटरोट्रॉप्स, क्योंकि हम हेटरोट्रॉप्स हैं। हेटरोट्रॉप्स कहते हैं जो अपनी फूड जो है खुद ना बना सके। तो जाहिर है अगर हम फूड खुद नहीं बना सकते तो हमें ज़िंदा रहने के लिए तो फूड की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे? मूव करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। किसके लिए? फॉर द सेक ऑफ फूड एंड शेल्टर। हम शेल्टर कहते हैं पनाह लेना। हम शेल्टर और फूड की वजह से या फूड की तलाश में क्या करेंगे? एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अगर हम टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन दो चीज़ों की बेस पे की गई है। एक इसकी क्लासिफिकेशन की गई है ऑन द बेस ऑफ फंक्शन। एक इसके फंक्शन की बेस पे क्लासिफिकेशन की गई है कि इनका फंक्शन क्या है, और एक इसकी क्लासिफिकेशन की गई है ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, इनकी साख कैसी है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो हमारे पास थ्री डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स हैं, लाइक मूवेबल जॉइंट्स, इमूवेबल एंड स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल नेम से ही हमें पता चल रहा है कि जो इजीली मूव कर सके, फ्रीली क्या कर सकता है, जॉइंट्स मूव कर सकता है। इमूवेबल की बात करें, इमूवेबल का मतलब है जो बिल्कुल भी मूव ना कर सके बल्कि अपनी जगह पर बिल्कुल टाइटली फिक्स हो। स्लाइटली मूवेबल का मतलब है थोड़ा बहुत मूव कर सके, या यूँ कहने के ना होने के बराबर ही मूवमेंट होती है, हल्की सी मूवमेंट्स होती है इसमें। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बेस पर थ्री टाइप्स है जॉइंट्स की, फिब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनियस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट्स। जस्ट फ्रेंड्स अगर हम फिब्रस जॉइंट्स की बात करें तो हमें नेम से पता चल रहा है कि ये कौन सा जॉइंट्स होगा जिसके अंदर फाइबर्स होंगे। फाइबर्स कंटेनिंग जॉइंट्स आर कॉल्ड फिब्रस जॉइंट्स। ये लाइक मतलब ये कि जो फाइबर्स होते हैं वो धागों की तरह होती हैं। ये हमारे पास बोन्स हैं, ये एक बोन है, ये क्या करती हैं, ये एक्चुअली बोन्स को आपस में अटैच करते हैं। ये बोन्स इतनी टाइटली से अटैच करते हैं कि वहाँ पर कोई मूवमेंट ही ना हो सके, यानी कि फिक्स करने का काम करते हैं। लाइक हमारे पास ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, इनकी फिक्स करेंगे। एक तो पहले मजीद वो क्लोज हैं एक दूसरे के, और दूसरा ये जो इसके फाइबर्स होंगे फाइबर्स जॉइंट्स के, तो इस तरह से ये क्या करेंगे, इसको कवर अप किए होंगे ताकि ये अपनी जगह से हिल ना सके। तो हम क्या कहेंगे, फाइबर्स। इसमें फाइबर्स क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं टू बोन्स को, दो बोन्स को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं। देयर इज नो मूवमेंट, यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होती। देखिए इसके सीधे जो हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया एग्जाम्पल के तौर पर, आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है कि अब ये इतनी टाइटली इतनी स्ट्रॉन्गली क्या हो सकी है, कवर अप हो चुकी है कि ये मूव नहीं कर सकेगी। तो देयर इज नो मूवमेंट, और यहाँ पर क्या हो जाती है, यहाँ पर फिक्सेशन होगी, ये अपनी जगह पर एक जगह पर फिक्स हो चुकी हैं, अब ये मूव नहीं करेगी। तो इस तरह के जॉइंट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? इस तरह के जॉइंट्स पाए जाते हैं स्कल में, खोपड़ी में, टीथ एंड जॉज में। जो हमारे टीथ होती हैं वो हमारे जबड़ों के अंदर जबड़े हुए होते हैं, यानी कि टीथ इन जॉज। तो वहाँ पर आपने देखा हमारे जो दांत हैं उनकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती, ना हमारे जबड़ों की हो रही होती है, ना हमारे टीथ की, ना स्कल की। तो इस तरह क्यों? क्योंकि इनके अंदर फिब्रस जॉइंट्स वाले क्या पाए जा रहे होते हैं,
फाइबर्स पाए जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं कि इसके अंदर जितनी भी बोन्स होती हैं वो आपस में क्लोजली अटैच्ड होती हैं। तो आपने ये याद रखना कि फिब्रस जॉइंट्स किस किस में पाए जाते हैं, स्कल में, टिथ में एंड जॉज में। तो यहाँ पर एक और भी बात याद रखें कि ये जो जॉइंट्स है यहाँ पर क्या हुई है, मूवमेंट बिल्कुल नहीं हुई। तो ये एग्जाम्पल हम कहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ से उठाकर हम यहाँ पर भी कर देंगे इमूवेबल में, इमूवेबल जो मूव ना कर सके। तो इसमें किस क्या कौन कौन सी एग्जाम्पल आती है, स्कल किंग, टिथ किंग और जॉज किंग। ये आपने एग्जाम्पल्स भी याद रखनी है कि फाइब्रस ज्वाइंट जो है एक्चुअली वो क्या है, इमूवेबल ज्वाइंट्स है। नेक्स्ट हमारे पास कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट्स। कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट्स कौन से होते हैं, कार्टिलेज कंटेनिंग ज्वाइंट्स आर कॉल्ड कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट्स, जिनके अंदर क्या पाई जा रही होती है, कार्टिलेज पाई जा रही होती है। या यूं कह रहे जो इसके अंदर जो कार्टिलेज पाई जा रही होती है वो मूव ही नहीं करने दे रही होती है। अगर मूवमेंट कार्टिलेज करने भी देगी तो लिटल मूवमेंट होगी, थोड़ी सी मूवमेंट होगी। ये हम लाइक इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर कर लेते हैं, ये हमारे पास एक वर्टिब्राई है। वर्टिब्राई में यहाँ पर होती है डिस्क और ये हमारे पास दूसरी वर्टिब्राई आ गई, एक वो वर्टिब्राई और एक ये वाली वर्टिब्राई है। और ये आपस में इस तरह से इसने क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है, किसने, डिस्क ने, यहाँ से इस तरह से इस तरह से। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट वो जो वर्टिब्राई होगी इसे क्या किया हुआ है, जिसके अंदर डिस्क फिक्स हुई पड़ी है, यहाँ पर क्या हुई है, ये वाली जो डिस्क है वर्टिब्राई डिस्क इसे बोलते हैं क्योंकि ये वर्टिब्राई के अंदर है। तो ये वर्टिब्राई डिस्क को इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पर फिक्स इस तरह से किया हुआ है कि यहाँ पर थोड़ी सी हल्की फुल्की मूवमेंट होगी, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगी और ये भी नहीं कि नहीं होगी, लेकिन बहुत कम मूवमेंट शो होगी, लिटल मूवमेंट शो होगी कहाँ पर, इस रीजन में। तो हम कह सकते हैं जो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स है वो क्या है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स है। तो लिटल और नो मूवमेंट, या तो इसमें बहुत कम मूवमेंट होगी या फिर इसमें भी मूवमेंट नहीं होगी। और ये कहाँ पे जॉइंट्स पाए जाते हैं, ये जॉइंट्स पाए जाते हैं कॉक्सल बोन्स में। कॉक्सल बोन्स एक्चुअली पेल्विक रीजन में पाए जाते हैं, पेल्विक रीजन में कॉक्सल बोन्स में क्या पाए जाते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। तो हम इसके एग्जाम्पल यहाँ पर पुट कर सकते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में, ये रेज कर देते हैं। अगर हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी एग्जाम्पल आएगी, जिसकी एग्जाम्पल में एक तो आ जाएगी वर्टिब्रल कॉलम की डिस्क आ जाएगी, ये क्या थी, हल बिल्कुल स्लाइटली मूवेबल थी। और एक आ जाएगी कॉक्सल बोन जो कहाँ पे पाई जा रही होती है, पेल्विक रीजन में। तो स्टूडेंट्स आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रही है कि हम किस तरह कह रहे थे, हम यहाँ से कार्टिलेजिनस जॉइंट्स मतलब डिफरेंट टाइप्स जॉइंट्स की तरफ पढ़ रहे हैं और उसकी एग्जांपल देख रहे हैं कि इधर भी कैसे फिट आ रही हैं और इस तरह की टाइप्स में भी किस कहाँ कहाँ पर इसकी एग्जांपल ये फिट आ रही हैं। नेक्स्ट है साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं जस्ट वन फ्रीली मूवेबल होते हैं, ये ईजिली मूव कर सकते हैं। लाइक हमारे पास ये टू बोन्स है, ये टू बोन्स है और यहाँ पर ये वाली जो है इसे बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है जो इसको क्या कर रही है, कवर कर रही है। और ये आपको जो खाली स्पेस नजर आ रही है इसको बोलते हैं साइनोवियल कैविटी, इसको क्या बोलेंगे, साइनोवियल कैविटी। तो इस साइनोवियल कैविटी के अंदर जो स्टूडेंट फ्लूइड फिल होता है, इस साइनोवियल कैविटी के अंदर फ्लूइड फिल होता है जिसे बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। और इसके इर्द गिर्द, इस पूरे ज्वाइंट्स के इर्द गिर्द, यानी कि ये जितना भी ये वाले ज्वाइंट्स, ये हड्डियां हमारे पास बोन्स और ये इसको इसी ज्वाइंट्स ने जोड़ा हुआ है, इस पूरे ज्वाइंट्स को कवर अप किया होता है, इस पूरे ज्वाइंट्स को कवर अप किया होता है फाइब्रस टिश्यूज ने, फाइब्रस सब्सटेंस ने। फाइब्रस सब्सटेंस जो होते हैं इसको कवर फंसते रखते हैं, जो फाइब्रस सब्सटेंस होते हैं एक्चुअली वो कनेक्टिव टिश्यूज ही होते हैं, ये फाइब्रस ज्वाइंट्स, इसको हम बोलेंगे फाइब्रस कैप्सूल क्योंकि इसने पूरी कवरिंग की हुई है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे फाइब्रस कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल। तो नेक्स्ट ये यहाँ पर आई थिंक आपको समझ आ रही होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्चुअली इसके अंदर पाया जा रहा है साइनोवियल फ्लूइड। ये साइनोवियल फ्लूइड का काम क्या होगा, एक और डेयर स्टूडेंट साइनोवियल फ्लूइड जो है वो शॉक ऑब्जर्वर के तौर पर काम करेगा, किसके तौर पर, शॉक ऑब्जर्वर। और दूसरा ये जो है ये रिड्यूस करेगा फ्रिक्शन को, जब ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा
तो जाहिर है ये इजीली मूवेबल ज्वाइंट्स हो जाएगा, यानी कि ये इजीली मूव कर सकेगा किसकी वजह से, साइनोवियल फ्लूइड की वजह से। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो साइनोवियल ज्वाइंट्स है वो क्या है स्टूडेंट, फ्रीली मूवेबल है, जिसके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन पाई जाती है जो इसको कवर कर रही है, और इसमें एक कैविटी है इस ज्वाइंट्स के अंदर, ये कैविटी फिल होती है किसके साथ, साइनोवियल फ्लूइड के साथ। और साइनोवियल फ्लूइड जो है ये क्या काम क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करता है और रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, जिसकी वजह से ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये स्टूडेंट आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं, यहाँ पर एग्जांपल आएगी एक्चुअली नी एंड एल्बो। अगर हम अपनी नी या एल्बो को इस तरह ये देखें, हम इजीली मूव कर रहे हैं, ये जो इजीली मूवमेंट हो रही है कहाँ पर हो रही है, साइनोवियल ज्वाइंट्स की वजह से हो रही है। तो आप मूवेबल ज्वाइंट्स में भी यहाँ पर ये नी एंड इधर लिखेंगे आप इसके एग्जांपल में नी एंड एल्बो। तो नेक्स्ट है हमारे पास हिंज ज्वाइंट्स एंड बॉल एंड सॉकर ज्वाइंट्स। ये एक्चुअली साइनोवियल ज्वाइंट्स के ही टाइप है, ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पर इसकी फर्दर टू टाइप्स है, हिंज ज्वाइंट्स एंड बॉल एंड सॉकर ज्वाइंट्स। हिंज ज्वाइंट जो है इसका मतलब होता है कब्जा, जैसे एक किसी भी चीज़ को बड़ा कब्जा सा लगा होता है उस तरह से ये कर रहा है, ये 180 डिग्री के एंगल पे मूव करता है, 180 डिग्री के एंगल पे मूव करता है, जिसकी वजह से आप यूँ कह सकते हैं कि ये एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर हम इस बात करें तो मसल्स विद मूवेबल ज्वाइंट्स, मसल्स मूवेबल ज्वाइंट्स के साथ अगर होंगे तो हम इसको बोलेंगे इंसर्शन। कैसे इंसर्शन बोलेंगे, लाइक ये क्या है, ये मसल्स है, सॉरी ये मसल है, और ये देखिए ये मूव कर रही है, ये बोन है, ये मूवेबल बोन्स है जो कि मूव कर रही हैं, और ये क्या है, मसल है। अब मसल का इस बोन के साथ आकर अटैच होना, इसके साथ इंसर्ट होना, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इंसर्शन कहलाएगा। नेक्स्ट अगर मसल, अब ये क्या होगा, अगर मसल इमूवेबल बोन के साथ साथ होगा या इसके साथ अटैच होगा, देन इसको ओरिजिन बोलेंगे। कैसे ओरिजिन बोलेंगे, लाइक ये मसल है, अब हम इसको मसल फर्ज करते हैं, और ये हमारे पास क्या बोन है, अब इमूवेबल बोन है, ये हरकत नहीं कर रही, और इसके जो मसल्स है वो क्या हो रहे हैं, यहाँ इसके साथ इससे निकल रही हैं, इससे इस वाली से, तो हम इसे बोलेंगे ओरिजिन। मसल्स विद इमूवेबल बोन, तो यहाँ पर इससे क्या बोलेंगे कि अब ये ओरिजिन कहला रही हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास जस्ट ज्वाइंट बॉल एंड सॉक्स ज्वाइंट। एक्चुअली जो बॉल एंड सॉक्स ज्वाइंट है ये 360 के एंगल पे मूव करते हैं, 360 के एंगल पे मूव करते हैं। लाइक ये हमारे पास ये मैंने स्ट्रक्चर जो बनाई है, आप समझा कि ये सॉफ्ट है, ठीक है, और ये बोन है, इस बोन से यहाँ पर एक बोन निकलेगी, ये बोन। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर एक बात जो मेन बात है वो ये याद रखने वाली है कि यहाँ पर पेयर ऑफ मसल होंगे, जो पेयर ऑफ मसल परपेंडिकुलर होंगे वो क्या करेंगे, 90 के एंगल बनाएंगे, और 90 के एंगल अलाउ करेंगे कि 360 के एंगल पे ये मूव करें अपने आप को। जैसे ये शोल्डर के ज्वाइंट्स हैं, अभी आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, यहाँ से मसल्स निकल रहे होंगे और इधर से मसल्स होंगे इस साइड पे, इस तरह से मसल्स होंगे। तो स्टूडेंट ये जो मसल्स हैं ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, इस तरह से, जैसे ये वाले मसल्स और उधर से ये वाले मसल्स जो इनका रहे इधर से, तो ये क्या आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि शोल्डर के पे जो ज्वाइंट्स हैं ये वाले, इधर जो मसल्स होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, 360 के एंगल पे मूव कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह के हम ज्वाइंट्स को क्या करेंगे, बॉल एंड सॉकर ज्वाइंट्स। और अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, इसके एग्जांपल में आता है शोल्डर, यानी कि ये शोल्डर आ जाएगा, इसके ये जो फीमर है ये हिप के साथ अटैच होती है, यानी कि पेल्विक गर्डर की, जब ये हिप के साथ अटैच होती है तो दरमियान में ज्वाइंट्स होता है जो इसको अटैच करके रखता है, उन ज्वाइंट्स को क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकर ज्वाइंट्स। तो ये इसके एग्जाम्पल में आ गया बॉल एंड सॉकर ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट्स की जो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इधर आएगा नी एंड एल्बो, नी एंड एल्बो हिंज ज्वाइंट्स की एग्जाम्पल है, शोल्डर और पेल्विक गर्डर और हिप के साथ के दरमियान जो ज्वाइंट्स होगा वो बॉल एंड सॉकर ज्वाइंट्स होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।